हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं जेई एडवांस 2024 क्वेश्चन नंबर 10 पेपर 1। लेट एस इज इक्वल टू एक्सेट दिया हुआ है, उसमें आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 3x3 का, ए बी सी डी ई बिलोंग्स टू 0 1, है ना, यानी कि 0 होगा या 1 होगा ए बी सी डी की वैल्यू। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू यहाँ पर दे दी 1 या फिर -1, ठीक है ना, ये दिया हुआ है। और डिटर्मिनेंट ए डिनोट्स द डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस, इस एस सेट में कितने एलिमेंट होंगे। तो यहाँ पर केस 1 अगर हम बनाएं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 1 है, और केस 2 हम बनाएं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आपकी क्या है, -1 है, क्योंकि ये दो ही वैल्यू पॉसिबल है, यहाँ एक क्वेश्चन में दे रखी है, तो हमने यहाँ पर क्या बना लिए, दो केस बना लिए, ठीक है। अब हम इस डिटर्मिनेंट ऑफ ए को अगर एक्सपांड करें, मतलब इस डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू हम निकालें, तो वो हमको क्या मिल रही है, यहाँ से रो 1 के कॉरस्पॉन्डिंग अगर मैं इसको एक्सपेंड करूँ तो 0 into ए ई माइनस बी डी हो जाएगा, -1 ई माइनस डी प्लस सी बी माइनस ए, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आपको क्या दे रही है, 1 दे रही। ये वाली वैल्यू तो 0 हो गई, ठीक है, और इस -1 को भी अंदर में मल्टीप्लाई कर दूं तो ये डी माइनस ई लिख सकता हूँ इसको, प्लस सी इंटू बी माइनस ए इज इक्वल टू 1, ठीक है, ये रिलेशन मेरे को यहाँ से मिल गया, ठीक है। अब इसमें मैं कंडीशन ले लेता हूँ अलग अलग, ठीक है, एक बार मैं ये रिलेशन अगले पेज पे लिख लेता हूँ कि डी माइनस ई प्लस सी बी माइनस ए इज इक्वल टू 1 मेरे को मिल रहा है, राइट। अब इसमें मैं फर्स्ट केस बनाता हूँ कि अगर डी माइनस ई वो 0 है एंड सी बी माइनस ए जो है वो वैल्यू 1 है, भाई इन दोनों को ऐड करने पर ही तो 1 मिल रहा है ना भाई साहब। तो हम क्या कर रहे हैं कि डी माइनस ई को 0 मान लिया हमने, और इसकी वैल्यू पूरी 1 है, तो ये 1 आ जाएगा, 0 + 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा, राइट। तो अब इसमें भी अलग अलग केसेस हम ले सकते हैं कि यहाँ तो यहाँ पर दोनों ही वैल्यू डी और ई की 1 हो तो 0 बनेगा, या दोनों ही वैल्यू 0 हैं तो 0 बनेगा, ठीक है। और इधर 1 बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, सी की वैल्यू 1 ले लूँ, बी की वैल्यू 1 ले लूँ, ए की वैल्यू 0 ले लूँ तो 1 बन जाएगा, ठीक है। या फिर यहाँ भी क्या कर लूँ, सी की वैल्यू 1 ले लूँ, बी की वैल्यू 1 ले लूँ और ए की वैल्यू 0 ले लूँ तो 1 बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या पता मिला, इस तरीके से ये दो कंडीशन लेने पर, कि डी और ई की वैल्यू 1 1 ले ली, और यहाँ पर बी और सी की वैल्यू 1 ली, ए की वैल्यू 0 ली, तो एक केस ये बना और एक केस ये बना, ठीक है। तो यहाँ से आपके आ गए दो केसेस, तो यहाँ से पता चल गया, ठीक है। दूसरा मैं क्या कह दूँ कि डी माइनस ई से 1 मिल गया आपको, और सी माइनस बी माइनस ए, है ना, सी इंटू बी माइनस ए, ये आपको अगर 0 दे रहा, भाई कुछ भी हो सकता है ना। तो दो केस मान लिए मैंने, इस केस से भी अपने फर्दर दो केस निकल गए, और इससे भी हम चेक कर लेते हैं कितने निकल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 1 लाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इसका 1 ले लूँ, इसको ई को 0 ले लूँ तो 1 मिलेगा, इधर तो ये ए की वैल्यू मिल रही है, ठीक है। और 0 कैसे कैसे बन सकती है ये वैल्यू, कि या तो ये तीनों ही 0 हो जाए, ठीक है, या फिर ये 0 हो जाए, ये दोनों आपके 1 हो जाए, ठीक है, या ये 0 हो जाए, अंदर का ये 1 हो जाए, ये 0 हो जाए, ठीक है, या फिर ये 0 हो जाए, ये 0 हो जाए, ये 1 हो जाए, ठीक है, या फिर
बाहर वाले को वन ले लो, अंदर वाले दोनों जीरो हो जाएं या अंदर वाले दोनों वन हो जाएं, तो ये कितने केस हो गए, एक दो तीन चार पांच और ये छह, छह केसेस यहां से बन गए आपके। तो छह और दो आठ केस तो मेरे बने हैं इस फर्स्ट केस के लिए, आठ केस मेरे बने, ठीक है। सिमिलरली इस सेकंड वाले डिटरमिनेंट ऑफ ए जिसका माइनस वन है, इसके लिए भी आपके आठ केसेस ही बनेंगे। तो अब अपने को टोटल बताने हैं, तो आठ प्लस आठ कितना हो गया, सोलह हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सोलह आंसर आ जाएगा, ठीक है। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एस इज 16, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।